हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग शेयर करने वाली हूँ ये रिसेप्शन पार्टी मेकअप लुक। अगर आपकी नई नई शादी हुई, आपका रिसेप्शन है और आप किसी पार्लर वाले को या मेकअप आर्टिस्ट को हायर नहीं कर पाए हो, तो आप खुद भी इस मेकअप लुक को क्रिएट कर पाओगे। बहुत ईजी सिंपल सा होने वाला है, बिगिनर्स हो तो भी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की आपको कब क्या कैसे यूज़ करना है। प्रोडक्ट भी कुछ इस तरीके के हैं कि जो कि हर मैरिड गर्ल के पास मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का आपके पास होंगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपके पास नहीं हो। मैंने बहुत सोच समझ के इस वीडियो को बनाया है और ये लुक आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जितनी भी मैरिड गर्ल हैं वो अपनी रिसेप्शन पर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक आप इसको या अपनी मोदी खाई की रस्म पर, आपके जितने भी फर्स्ट फेस्टिवल्स होते हैं एक मैरिड गर्ल के लिए बहुत ही खास होते हैं, उनमें उसको बहुत सुंदर दिखना होता है, तब भी आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर पाओगे। बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आप इसे करवा चौथ पर भी कर सकते हो मेकअप लुक को। तो बहुत सोच समझ के किया है, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देती हूँ। तो प्लीज़ आइए देखते हैं हमने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, तो चलिए वीडियो देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट यूज़ करने वाली हूँ मैं ममा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, जिससे कि मेरी स्किन है स्मूथ हो जाए और मेकअप स्मूथ स्किन पर होगा तो अच्छा ही लगेगा। तो इसलिए आपको अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हो या ड्राई स्किन वाले हो, आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो, नॉर्मल स्किन वाले, जो भी स्किन है आपकी, मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाइए। बट अगर आप इस मौसम में अगर आप इस तरीके का मेकअप कर रहे हो और आप ऑयली स्किन वाले हो, तो आप इस तरीके का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। वैसे ही क्रीमी मॉइस्चराइज़र है बट ये ऑयली स्किन वालों के लिए भी जाता है, और आप जेल मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हो, पॉन्स का बहुत अच्छा आता है। नेक्स्ट यहाँ पर यूज़ करूँगी मैं, ये मेरे पास है प्राइमर, प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लू हेवन का प्राइमर, और इसे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेना है इस मेकअप के लिए। तो जहाँ पर आपको पोर्स की प्रॉब्लम है, अपना टी जोन एरिया पे जहाँ पे आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर अच्छे से इसे लगा लीजिए। और इससे क्या है, हमारी जो स्किन के जो ओपन पोर्स हैं, जिन्हें आप छोटे छोटे से जो हमारे स्किन पे छेद होते हैं जैसे बोल देते हैं, तो वो अच्छे से फिल हो जाएंगे और मेकअप स्मूथ रहेगा। नेक्स्ट हम अपनी स्किन को इवन करेंगे। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट हैं, डार्क सर्कल हैं, डार्क पैचेज हैं, कुछ भी है ऐसे पिंपल्स वगैरह के निशान हैं, तो उन सबको इवन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये एलेगर का प्रो कंसीलर, जिसमें से मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है अपनी मैंने बैक हैंड पर, और इसके साथ मिक्स किया है मैंने फाउंडेशन। आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हो, कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। इनको अच्छे से मिक्स कर इस तरीके से अच्छे से जहाँ पर आपको डार्क पैचेज हैं वहाँ पर लगा लीजिए। तो मुझे थोड़े से डार्क सर्कल थे और मेरे लिप्स के आसपास जो पिगमेंटेशन थी उसको कवर कर दूंगी मैं अच्छे से इस तरीके से, और आप देख रहे होगे जो मेरी स्किन है वो इवन दिख रही है। अब नेक्स्ट हम अपना फाउंडेशन लगाएंगे। तो फाउंडेशन नहीं लगाने वाली हूँ मैं आज, एक नए तरीके का मेकअप करने वाली हूँ। तो इस तरीके से पहले मैं एक रेड लिपस्टिक लूँगी, क्योंकि एक नेचुरल ब्लश की तरह काम करेगी। ये वायरल काफ़ी हैक हुआ था पहले, काफ़ी टाइम पहले, आप लिपस्टिक से नेचुरल ब्लश पहले नीचे लगाते हैं और फिर फाउंडेशन वगैरह फिर बेस करते हैं, तो इसलिए आज हम वही मेकअप करने वाले हैं। मैंने इसे ट्राई भी किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट वो मैंने जो शेयर किया था तो वो लिक्विड लिपस्टिक थी, तो इसलिए आप क्रीमी लिपस्टिक लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्लेंडिंग अच्छे से हो जाती है। तो इस तरीके से मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी लिपस्टिक को, जहाँ जहाँ आपको ब्लश अपने फेस पर दिखाना है वहाँ पर इस तरीके से लगा लेना। मैंने नोज़, अपना फोरहेड और अपने चिन, अपनी जो मेरी चिक्स हैं वहाँ पर लगा लिया है अच्छे से, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और आप देख रहे हो बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो गया। तो प्लीज़ क्रीमी लिपस्टिक लेना, लिक्विड लिपस्टिक मत लेना, वो ड्राई हो जाती है फिर वो ब्लेंड नहीं होती। तो यहाँ पर भी मैं ये लिपस्टिक ही यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर के लिए। तो मैंने ब्राउन लिपस्टिक ली है जिसे मैं ऐसा कॉन्टोर की तरह यूज़ करूँगी इस तरीके से। इससे मैं अपनी नोज़ कॉन्टोर कर रही हूँ, अपने जो मेरा चिक का एरिया है उसको, और अपना मेरे जो चिन का एरिया है उसको अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी, इसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। बट जल्दी जल्दी करना ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो। तो इस तरीके से करने से ना हमें हमारा जो मेकअप है वो थोड़ा सा ना और अच्छा हो जाता है और इवन आउट हो जाता है। इस तरीके से पहले हम फेस को हमने अच्छी से शेप दे दी है, अपने फेस को ब्लश लगा लिया है, तो नेचुरल जो हमारा मेकअप है जो कहते हैं नेचुरल ग्लो, वो तो नीचे से हो ही गया, उसके ऊपर से हम बेस लगाएंगे। तो बेस के बाद हम पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो और भी अच्छा ग्लो और भी अच्छा आपका मेकअप प्रोफेशनल लगने वाला है। तो प्लीज़ इन स्टेप को स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ समझ में ना आए, आपको कुछ समझ में ना पाए, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देती हूँ। तो
इस तरीके से अच्छे से मैंने अपने फेस को कॉन्टोर कर लिया है और ये आपको रेड दिख रहा है बट ये ब्राउन था, कैमरा थोड़ा सा पता नहीं क्यों कैच नहीं कर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंसीलर। कंसीलर के लिए यूज़ किया है मैंने ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर कंसीलर, जिसे मैं इस तरीके से उस पॉइंट्स पर लगा रही हूँ जिनको मुझे हाइलाइट करना है, जिन्हें हाइलाइट दिखाना है। कॉन्टोर लगा लिया था मैंने पहले जहाँ पर मुझे अपनी फेस को दिखाना नहीं है, जो मेरा चबी एरिया है फेस का वहाँ पर, और जिसे उभरा हुआ दिखाना है वहाँ पर ये हाइलाइटर कंसीलर लगा रही हूँ। और मैं इसे अपनी लिड पर भी लगा रही हूँ इस तरीके से, जिससे कि जो मेरा आई मेकअप जो हम करेंगे तो उसे एक अच्छा सा बेस मिल जाएगा। आई बेस के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है और ये हाइलाइटर कंसीलर है, तो जब भी आई मेकअप कर रहे हो तो एक हाइलाइटर कंसीलर ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो आपके आई मेकअप के जो कलर्स हैं वो अच्छे से पॉप होके आएंगे और अच्छे से दिखेंगे। तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट यूज़ करेंगे फाउंडेशन। तो यहाँ पर मैं ये ब्लू हेवन का हाइपर मैट पिगमेंटेशन फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैट फाउंडेशन है। इस तरीके से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी, जिससे कि इवन पूरे स्किन पर लगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। आप फाउंडेशन ब्रश भी ले सकते हो, एक फ्लैट ब्रश आता है, बट लेकिन इस तरीके के मेकअप के लिए ना मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जल्दी ब्लेंड कर देता है। अगर आप जल्दी जल्दी मेकअप कर रहे हो तो इस तरीके का ब्रश भी कर देता है, बट ब्रश के बाद में एक फिनिश देनी ज़रूरी होती है ब्यूटी ब्लेंडर से। तो जब हमें बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से ही फिनिश देनी है तो क्यों ना ब्यूटी ब्लेंडर से ही पूरा मेकअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे अच्छे से मैंने पूरे फेस पर लगा लिया, और प्लीज़ नेक एरिया बिल्कुल भी ना भूलें, सबकी नज़र होती है, सब कमियां निकालना चाहते हैं दुल्हनों में, तो प्लीज़ उन्हें कमी निकालने का मौका मत दो। अपना नेक और अपना फेस दोनों को इवन रखो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इस मेकअप को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर की ही ज़रूरत होती है, हमें ग्लो तो हमने काफ़ी दे दिया, कॉम्पैक्ट पाउडर ग्लो का एक काम करता है, उसमें हल्की सी एक कवरेज होती है, बट आप इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर से पहले अपना बेस को अच्छे से सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बेस अच्छे से सेट कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा लगा के नहीं छोड़ूंगी, लगा के छोड़ दिया मुझे डस्ट आउट कर दिए, नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही मैंने पाउडर लिया है, उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है अपने ही फेस पर, और आप देख पा रहे होगे कितना मैट लग रहा है, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एकदम आपको रूखा सूखा सा लगेगा, फाइनली जब आप देखोगे ना आगे जाके बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस तरीके से मैंने फेस पैलेट यूज़ किया है अपने फेस को, बेस को सेट करने के बाद। ये है स्विस ब्यूटी का फेस पैलेट, और इसमें से मैं पहले एक अंगुल ब्रश की हेल्प से अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, जो मैंने पहले कॉन्टोर किया था नीचे, और उसके बाद हमें अगर हम बाद में एक फाइनल टच ना देना तो ऐसा लगेगा कि हमने पेंट करके, वो जो होती है ना उन पर हम पेंट करके ऐसे छोड़ दें तो अच्छा नहीं लगता, जब तक उन पर पेंटिंग ना लग जाए। तो ऐसे ही जब तक आपके फेस पर अच्छे से आप कॉन्टोर ब्लश और हाईलाइट ना कर लो तो आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप कितना भी अच्छी आपका रंग रूप हो या अपना कितना भी अच्छा फाउंडेशन वगैरह यूज़ कर लीजिए, इसलिए फाइनल टच देना बहुत ज़रूरी। तो मैंने कॉन्टोर कर लिया, ब्लश लगा लिया है और हाईलाइट कर लिया है। मैं अपनी ब्राबोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ इस तरीके से एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से, और अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ। और यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का ब्रो पेंसिल, और ये ब्राउन ब्रो पेंसिल है। तो इस मेकअप में आप कैसे भी हो, आजकल ना ब्रो पेंसिल बहुत ट्रेंड में है, ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बिगनर्स हो तो वैसे भी ब्राउन ही यूज़ करना। तो इस तरीके की ब्राउ पेंसिल से मैं अपनी ब्राउज को फिल कर रही हूँ, और ये ब्राउ पेंसिल सीरियसली बहुत अच्छी है, इसकी शेप भी बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं है जैसे नॉर्मली ब्रश पेंसिलों की वो होती है टिप, बिल्कुल भी नहीं है ऐसी, बहुत अच्छी। आप बिगनर्स ना हो ना तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना एक बार इसको। और इसके वन साइड कॉम्ब भी आता है इस तरीके से, और जो जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इक्वली आपकी ब्राउज में लग जाता है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैलेट, और इसमें से मैं यूज़ करूँगी डार्क लाइट ब्राउन शेड इस तरीके से, मैं अपनी आई मेकअप के लिए एक ट्रांजिशन कलर की तरह वर्क करेगा अच्छे से, और एक फ्लापी ब्रश की हेल्प से लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं चार की आई शेडो पैलेट यूज़ करी, उससे मैं पर्पल और रेड शेड दोनों को मिक्स कर इस तरीके से अपने इनर कॉर्नर पर और आउटर कॉर्नर पर दोनों पे अच्छे से लगाऊंगी एक डॉम ब्रश की हेल्प से, जैसे कि आप देख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट मैं इसी पैलेट में से ये मैरून शेड लेकर दोबारा अपने इनर कॉर्नर पर और अपने जो मेरा आउटर कॉर्नर है दोनों पर अच्छे से लगाऊंगी, और उसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है सिर्फ आपको उस एरिया पर ही, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से मैं बोल पा रही हूँ तो आप अच्छे से देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से ब्लेंड करना है। फिर एक लाइट ब्रश लेकर कोई भी जिस पर प्रोडक्ट ना लगा हो उसे इस तरीके से ऊपर की तरफ अपनी
लिड से ऊपर की तरफ क्रीज लाइन की तरफ इसको हल्का हल्का ब्लेंड कर दीजिए, जिससे कि जो एजेस हैं या जो भी एक हार्श लाइन है वो ब्लेंड हो जाएगी, दिखेगी नहीं। तो इस तरीके से, और नेक्स्ट यहाँ पर मैं वही हाइलाइटर कंसीलर ले रही हूँ, एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से कट क्रीज बनाऊंगी। कट क्रीज आप बोल सकते हो या आप इसको हेलो आइज भी बोल सकते हो, तो इस तरीके से गोल्डन हेलो आइज। तो यहाँ पर मैं इसको लगाया, मैंने नीचे अपनी जो लैश लाइन है वहाँ पर ऊपर की तरफ देखा, एक मुझे एक गाइडलाइन मिल गई इस तरीके से, और इसको हल्के हल्के हाथों से सिर्फ मैंने अपने सेंटर एरिया पर ही लगाया है, लिड के सेंटर एरिया पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बस थोड़ी सी जगह पर ही, अपनी फिंगर की जो आपकी साइज़ होता है ना, आपको उस तरीके का लगाना है जैसे आप देख पा रहे होंगे। और इसे अपनी मैंने फिंगर की हेल्प से सेट कर दिया है कंसीलर को। नेक्स्ट इस पैलेट से मैं गोल्डन शेड पिक कर लूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से, और जहाँ पर हमने कंसीलर लगाया सेंटर एरिया पर वहाँ पर लगा दूँगी इसको गोल्डन शेड को। और इस तरीके से लगाने के बाद नेक्स्ट वही ब्रश लेकर, इससे हमने ये मैरून शेड रेड शेड लगाया था, उसी से ही मैं इसको हल्का हल्का सा स्मच कर दूंगी जो गोल्डन शेड है उसको, जिससे कि जो हार्श लाइन है या जो एजेस दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो हमने कलर ऐसे ही लगा दिया है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, जिससे कि जो स्मूथ दिखे आपका मेकअप और थोड़ी हेलो आइज लगे। तो इस तरीके से मैं अपनी लैश लाइन पर भी लगा लिया है। नेक्स्ट मैं ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ, ये स्विस ब्यूटी का ब्लैक काजल है, और इसे भी हल्का सा स्मच कर दूंगी मैं, वो थोड़ी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने ऑफ कैमरा लगा ली थी लैशेस जो कि रेड चेरी की हैं, और ये ब्लू हेवन का मस्कारा, जिससे कि जो मेरी नेचुरल लैशेस हैं फेक लैशेस दोनों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और अपने जो मेरे इनर्स कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से जॉइंट कर लूंगी इस एक स्केच पेन आईलाइनर की हेल्प से। नेक्स्ट यहाँ पर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं NYB की और ब्लू हेवन की। तो पहले मैं लिप क्रियोन यूज़ करूँगी, ये NYB का और इसका शेड नंबर है 38। इससे पहले मैं अपने लिप्स को एक अच्छी सी आउटलाइन भी करूँगी, लिप को अच्छी शेप दूँगी, और इसका जो शेड नंबर है 38 है, मैं आपको कन्फर्म कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है ये, थोड़ा सा मर्जेंटा साइड कुछ कलर ऐसा है, मर्जेंटा साइड मर्जेंटा फैमिली का लगता है थोड़ा सा, रानी मर्जेंटा। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ रेड लिपस्टिक जो कि ब्लू हेवन की है, और उसका शेड नंबर है 303 हार्ट बीट करके कुछ, तो इसको भी लगा लूँगी। मैं रेड लिपस्टिक ही लगाने वाली थी पर ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा ब्लड रेड है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको न्यूट्रल हल्का सा करने के लिए मैंने ये लिपस्टिक यूज़ की NYB की। और आप देख रहे हो फाइनल लुक आप लोगों के सामने है, अभी मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ फुल एशेस स्लीव वगैरह पहन के, साड़ी पहन के। तो फाइनल लुक आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी समझ में आया है कुछ भी, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, आई एम सॉरी, बट अगर आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और इस लुक को अगर आप क्रिएट कर रहे हो या जब भी करो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपको इंस्टा पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब करेगा, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।